लॉकडाउन के दौरान एक युवा ने बना डाली एक साइकिल। भारतवर्ष में जहां इतनी बड़ी साइकिल कंपनियां बंद हुई, वहीं पोंटा साहिब के युवा ने लॉकडाउन के खाली समय में बना डाली एक साइकिल। पोंटा साहिब के ऊपर इलाके में कार मॉडिफायर संजीव धीमान ने लॉकडाउन के दौरान खाली समय के अंदर एक अद्भुत साइकिल बना डाली। संदीप धीमान का कहना है कि लॉकडाउन के समय वे फ्री थे तथा दुकान पर ग्राहक नहीं आ रहे थे। उस समय उनके दिमाग में एक आइडिया आया, जिसके चलते उन्होंने कुछ वेस्ट लोहे की पाइप व टायर से कुछ सामान के साथ खरीद कर एक साइकिल बना डाली। उन्होंने कहा कि आज के समय में हर व्यक्ति को व्यायाम करने की जरूरत है तथा पेट्रोल व डीजल के दाम दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। हर व्यक्ति को कुछ समय के लिए साइकिल चलानी जरूरी है, जिससे पेट्रोल और डीजल की बचत के साथ साथ शरीर में जो अनावश्यक फैट है उसको भी कम किया जा सकता है। वहीं धीमान ने बताया कि उसने साइकिल अपने लिए बनाई है तथा अगर कोई व्यक्ति इस तरह की साइकिल की डिमांड भी करता है तो उसके लिए ये साइकिल 10-12 हजार रुपए की लागत में बना सकते हैं। बस सर, ऐसा ही है कि लॉकडाउन में फ्री थे, घर में पड़े थे और बस दिमाग ने और कुछ काम नहीं किया। बस मैंने सोचा कि साइकिल बना लेते हैं, क्योंकि उसमें लगे रहे काफ़ी दिन से, काफ़ी मेहनत की है, थोड़ा फैट वगैरह भी काफ़ी बढ़ गया था, इसलिए थोड़ी जॉगिंग भी हो जाया करेगी सुबह सुबह। बस ये बना दी थी जी। सर ऐसा है कि जैसे पेट्रोल भी महंगा हो रखा है और डीजल पेट्रोल सब कुछ महंगा है इस टाइम, और साइकिल का थोड़ा यूज़ करेंगे लोकल घूमने फिरने के लिए तो थोड़ा ज़्यादा बेटर रहेगा हमारे शरीर के लिए भी, पेट्रोल भी बचेगा उसमें, सब चीज़ का फायदा होगा। तो सर ये अपने अपने पर्पज़ के लिए बनाई है या बेच के लिए भी आप सोच सकते हैं? सर फिलहाल तो अपने पर्पज़ के लिए बनाई है, बाकी किसी की रिक्वायरमेंट होगी तो बना भी देंगे। सर कितना खर्चा आ गया होगा इसके ऊपर? अभी सर इसके ऊपर हमारा 12-13 हजार रुपये खर्चा अपना आया है। क्या नाम है सर अपना? अपना संदीप नाम है सर, संदीप।